बिलासपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव एवं जिला बिलासपुर प्रभारी ईशान ओहरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आशीष ठाकुर ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने के निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा पकौड़े तलकर रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आशीष ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं पर जन की बात नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता काबिज करने के लिए मोदी ने युवाओं के साथ झूठे वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार देने की तो बात दूर रही, उनके सत्ता में आने के बाद करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं। आशीष ठाकुर ने कहा कि जब विपक्षी दलों द्वारा मोदी सरकार को बेरोजगारी के नाम पर घेरने की कोशिश हुई तो उन्होंने कहा कि पकौड़े तलो, उससे रोजगार मिलेगा। आशीष ठाकुर ने सरकार से पूछा है कि क्या युवाओं ने MBBS, इंजीनियरिंग, PhD की बड़ी बड़ी डिग्रियां क्या पकौड़े तलने के लिए ली थी। आशीष ठाकुर ने कहा आज अकेले हिमाचल प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हो चुके हैं, पर जयराम सरकार के पास बेरोजगार युवाओं के लिए कोई नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के हजारों युवा जो बाहरी प्रदेशों या विदेशों से नौकरियां करते हैं, आज वो बेरोजगारी की वजह से घरों में कैद हैं। आज जो नशे व आत्महत्या का प्रचलन युवाओं में बढ़ रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी है। आशीष ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए जल्द से जल्द रोजगार के अवसर मुहैया करवाएं, ताकि युवाओं को राहत मिल सके। इस मौके पर सदर युवा कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र संधु, पंकज ठाकुर, वसीम मूसा, नरेश कुमार, पंकज सांख्यान, अक्षय शर्मा, हैदर अली, संतोष कुमार, ऋतिक सोनी, सोनू, अंकित सांख्यान, अंकुश रामपाल, आसिम गोपाल, गोलू, शिवांग, मनीष व अन्य युवा मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बताना चाहता हूं कि आज जो हमारा भारतीय युवा कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने फैसला लिया कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है उसे हम राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे। साथियों, आज पूरे देश के अंदर इतने बुरे हाल हो चुके हैं कि जो हमारे युवा हैं वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां करके, कुछ साथी बीटेक कर बैठे हैं, कुछ MBBS करके घर बैठे हैं। साथियों, उन्हें पर रोजगार के कोई साधन नहीं है, ना तो सरकारी क्षेत्र में ना ही निजी क्षेत्र। जन्म दिवस के ऊपर शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय युवा कांग्रेस के जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके दिशा निर्देशानुसार आज बिलासपुर युवा कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को मनाने जा रही है। इस उपलक्ष्य पर हम पकौड़े तलकर बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलने से भी रोजगार मिलता है। हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारे साथी जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां की हैं, क्या उन्होंने ये डिग्रियां मात्र पकौड़े तलने के लिए की थी। आज हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 9 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार हो चुके हैं। साथ के साथ कोरोना काल की वजह से जो हमारे साथी बाहरी प्रदेशों में या बाहरी विदेशों में नौकरियां करते थे वो भी आज बेरोजगार हो चुके हैं। पर जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है
उनके पास जो हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं उनके लिए कोई नीति नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी मांग करता हूं कि जल्द से जल्द बेरोजगार युवा साथियों के लिए रोजगार के नए संसाधन शुरू किए जाएं ताकि जो साथी हैं उन्हें रोजगार मिल सके। धन्यवाद। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्या IAS अकेडमी राजा का तालाब। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।